ये मैं आपको डिजाइन दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये आर्टिकल है स्प्रिंटर, जिसकी एमआरपी है 2299 रुपए। ये आर्टिकल है डेकन, दोनों का डिजाइन बिल्कुल सेम बनाया गया है और इनका सेंसर आर्टिकल। ये आर्टिकल देखिए, प्राइसिंग में भी 100 रुपए का डिफरेंस है, ज्यादा नहीं है, जिसके वजह से इसका जो सेल है वो भी काफी अच्छा रहता है। इसमें सबसे ज्यादा हीट आपका ये है डेकन, जो पिछले साल से आ रहा है। इसका व्हाइट कलर का जूता बहुत ही ज्यादा हीट है, और इस साल ये जूता लॉन्च हुआ है स्प्रिंटर, इसकी प्राइसिंग कम है। कम क्यों है वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। और ये नंबर 2 पे अपनी पोजीशन बनाने में कामयाब हुआ है। इन दोनों के क्वालिटी की बात करते हैं, सबसे पहले सोल की बात करते हैं। सोल बिल्कुल सेम दिया गया है, इसमें थोड़ा सा अंतर आपको दिख रहा होगा कि ये ऑरेंज कलर है, ये है, तो अंदर इसके ईवा ही यूज है, बस कलर का डिफरेंस है, जिसके वजह से आपको थोड़ा सा अलग दिख रहा होगा। दोनों ही पायलट सोल का यूज करके जूते को बनाया गया है। इस जूते में भी साइजिंग का थोड़ा इशू रहता है, क्योंकि ये ट्यूब वाले सोल है, या फिर आप जिसको पायलट सोल कहते हैं वो है, तो इसको भी मैं भी सजेस्ट करूंगा कि इसको भी आप रिटेल या शोरूम से खरीदिए, ताकि आपकी साइजिंग का इशू न क्रिएट हो ऑनलाइन वगैरह से मंगाने पर। इसके अपर की बात किया जाए तो डेकन के अपर की बात किया जाए तो इसमें थोड़ा सॉफ्ट नेट का यूज किया गया है, जबकि स्प्रिंटर में थोड़ा सा क्लोथिंग वाला नेट यूज किया गया है, जिसके वजह से ये थोड़ा कम सॉफ्ट है। बाकी दोनों ड्यूरेबिलिटी बहुत ही अच्छी बनाई गई है। एक और अंतर है दोनों जूते में, डेकन में मेमोरी फोम वाला इंसोल यूज किया गया है, जबकि स्प्रिंटर में नॉर्मल इंसोल का यूज किया गया है। इसके कलर कॉम्बिनेशन की बात किया जाए तो दोनों में सेम कलर आता है, जैसे आपके सामने नेवी है, इन दोनों का व्हाइट, ब्लैक, ग्रे, इतने कलर तो नॉर्मली आपको मिल ही जाते हैं। इसके प्राइसिंग की बात किया जाए तो ये 2400 का, ये 2300 का, एक एक रुपए कम कर लीजिएगा, और डिस्काउंट के बाद ये अंडर 2000 में आपको हर जगह अवेलेबल होगा। इनका सेंसर आर्टिकल, ये आर्टिकल देखिए, ये ऑनलाइन पे नहीं मिलेगा। ऑनलाइन पे अगर आपको इस टाइप का जूता चाहिए तो आर्टमिस सर्च करिएगा, इससे थोड़ा सा वो 19 होगा, लेकिन इससे थोड़ा सा आपको कम दाम में भी मिल जाएगा। इस शूज का डिजाइनिंग बहुत ही आई कैचिंग है, ये पहली नजर में पसंद आने वाले जूतों में से है। इसकी थोड़ी सी ड्रॉबैक है इसकी साइजिंग का इशू इसमें हमेशा रहता है, ओवर साइज होता है ये जूता। अगर आपका रेगुलर साइज 8 नंबर है तो आप 7 नंबर जूता ट्राई करेंगे, वो भी आपको हो सकता है। तो मेरा सजेशन रहेगा, ये जूते आप ऑनलाइन नहीं परचेज करिए, किसी रिटेल में जाके बेकायदे इसको ट्राई करिए, फिर परचेज करिए। इसके सोल की बात किया जाए तो इसमें इन्फिनिटी कैप्सूल यूज किया गया है, जिसके वजह से ये बहुत ही कंफर्टेबल बन जाता है। इसमें इंसोल जो यूज किया गया वो है नॉर्मल इंसोल, ये थोड़ा सा जितने भी कैप्सूल वाले या ट्यूब वाले शूज आते हैं उसमें नॉर्मल इंसोल ही कैंपस हमेशा से यूज कर रहा है, तो इसमें भी नॉर्मल इंसोल का ही यूज किया गया है, वो थोड़ा सा मुझे निगेटिव समझ में आता है। इसके अपर की बात किया जाए तो अपर का जो मेस है वो थोड़ा डिफरेंट है, नॉर्मली नेट वाला मेस यूज किया जाता है जो कि सॉफ्ट होता है, लेकिन इसमें क्लोदिंग का यूज करके नेट को, जो इसका मेस है उसको बनाया गया है, जिसके वजह से इसका लुक और अपर डिफरेंट हो जाता है। इस जूते की एमआरपी 1999 है, डिस्काउंट के बाद ये आपको 1600 रुपए में आसानी से मिल जाएगा, वो चाहे ऑनलाइन हो चाहे रिटेल। दोस्तों आपको इसमें से कौन सा जूता पसंद आया है कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर आपको हम लोगों की मेहनत पसंद आई हो, लगा हो कि हम लोग ने एक अच्छा वीडियो बनाया है, तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, जरूर कमेंट करिएगा, और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद, जय।